नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू कर दिया गया है। अब इसे लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और CAA के तहत अब तीन जो देशों के शरणार्थी थे उन्हें अब भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल में, केरल में और भी राज्यों में विरोध हो रहा है। इसे लेकर अब बिहार में आम लोगों की क्या राय है, इसे कैसे देखते हैं, कितना सही मानते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कह रही है कि चुनाव से पहले सिर्फ सत्ता पक्ष वोट लेने के लिए इस तरीके की काम कर रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो मामला उठा था उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कि जो CAA है उसे अब लागू करने का फैसला किया गया है, कई राज्यों में विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? ठीक नहीं ना है, CAA लागू हो गया है लेकिन बाहर के आदमी को यहाँ पर आश्रय देना ठीक नहीं है। ठीक नहीं मानते इसे? ना, लेकिन जो लोग हैं, एक कहावत है पुराने जमाने का कि अपने जोगी लंगटा तो का दी है बरदान, तो अपने कुछ है ये नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे? अपने तो लोग बेरोजगार हैं यहाँ, अपना तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो दूसरे को और बुला करके कहाँ से दीजिएगा, क्या कीजिएगा? ये गलत नहीं है? ये गलत है ना? इसे गलत मान रहा है। लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे कानूनों को देश में जो लागू किया है, कई ऐसे कानून थे जो लंबे वर्षों से रुके हुए थे, अब इसके तहत पश्चिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो अपने देश का नागरिकता ले लेंगे, 2014 से पहले जो आए थे, तो इसे कितना सही मानते? क्या दूसरे देशों में भारत की प्रशंसा नहीं होगी कि दूसरे जो देश के लोग थे उन्हें प्रशंसा किया गया है? प्रशंसा काहे के लिए होगा? प्रशंसा नहीं होगा, दूसरे देश का दूसरा देश हमारा काहे के लिए प्रशंसा करेगा? हम किसी को रखेंगे तो हम अपना स्वार्थ में रख रहे हैं, अगर रख भी रहे हैं तो रख रहे हैं। हाँ, किस तरीके का स्वार्थ? अब जो स्वार्थ हो, अपना स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। विपक्ष तो इसके ऊपर भी कह रही है कि सिर्फ चुनाव से पहले 2019 में जो कानून लागू हुआ उसे चुनाव से पहले क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव के टाइम में नहीं होना चाहिए CAA लागू। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खुलकर विरोध कर रही है। खैर, वो गलत विरोध कर रही है, तो पहले ही से ढेर सा घुसा हुआ है बांग्लादेशी को, वो क्या विरोध करेगी? अच्छा, मतलब कि ममता बनर्जी ने खुद पहले शरणार्थियों को रहने का मौका दिया और अब जब कानून लागू होने की बात आ रही है तो विरोध करके वो खुद अब ऐसे? नहीं, तो ये तो पॉलिटिक्स है, वो तो गेम खेल रही है जी, वो तो पहले ही से रखे हुए हैं, तो वो क्या विरोध करेगी? उसका विरोध बेकार है। लेकिन शरणार्थियों को देश में रखना आप बिल्कुल गलत मानते हैं? तो गलत है, ये है, अपने अपना ही पहले ठीक नहीं था, दूसरे को हम क्या रखेंगे जी? पहले अपने देश में लोग बेरोजगार हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, घूमने, तो पहले अपना ना देखेगा आदमी, ये बाहरी को देखेगा। चलिए, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि अब जो CAA जो कानून है उसे पारित किया गया है, 2019 में इस कानून को लागू किया गया था, संसद भवन में पास हुआ था, अब जब इसे लागू करने की बात आ रही है तो कई राज्य विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? अपना अपना राज्य के ऊपर है जी, ठीक है, ममता बनर्जी विरोध कर रही है, विरोध कर रही है जी। सब सैंक्शन तो वही दी है, वही देखे तो इतना मन बढ़ाई है सबके, अब बढ़ा कर आज विपक्ष में है तो आज चिल्ला रही है। अच्छा, विपक्ष में तो चिल्ला रही आज है, विपक्ष में तो चिल्ला रही है। लेकिन ये बताइए कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सभी जो धर्म के लोग हैं, सभी को, जो भी शरणार्थी हैं उन सभी को देश में रहने का मौका मिलेगा, नागरिकता दी जाएगी, क्या ये सही मैसेज नहीं जाएगा दूसरे? देखिए, 2014 से जो भी आया हुआ है जी, वो सबके लिए नागरिकता देना चाहिए, 2014 से जो आया है अभी तक उसको नागरिकता देना चाहिए, और उसके बाद जो उसके बाद जो अभी आ रहा है उसको जाँच पड़ताल किया जाए, जांच पड़ताल करके उसके बाद देखा जाए। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन सभी जगहों पर, सभी राज्यों में विरोध हो रहा है। उस सब राज्य में अपना रख ले है लोग लो। जी, सब राज्य में रख ले है लोग, जब वोट आता है तब उसका इस्तेमाल करता है लोग, अभी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इस्तेमाल करता है लोग, अभी विरोध कर रहा लो अभी। लेकिन ये क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जब इसे लागू किया जा रहा है तो क्या बीजेपी भी इसमें फायदा उठाना चाहती है? 2019 में लागू हुआ था, पास हुआ था ना उस वक्त, 2019 में पास हुआ था, लागू अब हुआ है। तो इतना लंबा समय क्यों किया, चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले क्यों किया गया? जाता है संसद भवन में, वहाँ से सब पारित होता है तब यहाँ का लागू होता है जी। बीजेपी भी निजी स्वार्थ देख रही है इसमें? एकदम कहाँ नहीं देखेगा, कोई भी देख रहा है, बीजेपी का कोनो दूध के धोबल है? अच्छा, चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव में महज कुछ दिन बच गए हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है, अब जिस तरीके से अब ये जो CAA लागू किया गया है इसे लेकर विपक्ष बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पा रही है। अब विपक्ष बोले फायदा मिलेगा NDA सरकार को इसमें? मिलवे करेगा, एकदम मिलेगा, फायदे के लिए करवे किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। क्या होगा इस पर चुनाव में? फिर चुनाव आएगा मोदी सरकार, फिर ये तय है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, आप क्या मोदी को चाहने वाले हैं? हाँ, तो
तो आप मोदी को चाहने वाले हैं, और ऐसे में जब मोदी सरकार जब इस सीए को लागू कर रही है तो उसका विरोध भी आप कर रहे हैं? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? आपने कहा ना कि गलत है दूसरे देशों के लोग, दूसरे देश के लोग आता है 1400 जो आया है उसको नागरिकता दीजिए ना, आज साल भर दूसरा आ रहा है उसको नागरिकता मत दीजिए। देखिए और भी हैं, इन सबसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अब दूसरे देशों के जो लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, वो सब अब जो देश में आ चुके हैं उनको अब नागरिकता दी जा रही है, क्या नागरिकता देना सही है या गलत है? नागरिकता देना सही है, मगर इलेक्शन के समय में जो है ना ये सब नहीं लाना चाहिए, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन के समय में नहीं आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 2019 में जो चीज़ संसद भवन में पास हुआ था अगर उसी समय लागू हो जाता तो ऐसा नहीं होता? आप खाली इलेक्शन कराइए, बात खत्म है। तो चुनाव से पहले करवाने के पीछे क्या देखते हैं कि क्या बीजेपी भी फायदा उठाना चाहती है इसका? नहीं, फायदा जिसको होना रहेगा हो जाएगा फायदा। तो सरकार में अभी तो बीजेपी है ना, केंद्र सरकार में वही नियम भी लागू, सरकार को फायदा हो या कांग्रेस को फायदा हो किसी को फायदा हो जाए, मगर इलेक्शन के समय में नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से 2019 में सीए संसद भवन में पास हुआ था, लेकिन अब उसे लागू करने की जो बात की गई, अब इसे लेकर कई राज्यों में विरोध हो रहा है, लेकिन इसी विरोध के बीच में अब इसे लागू करने की भी बात हो चुकी है। लेकिन आम लोगों से जब जानने की कोशिश किए तो साफ तौर से लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत है, जो कानून 2019 में संसद भवन में पास हुआ था चुनाव के वक्त में, क्यों उसे लागू किया जा रहा है? कहीं ना कहीं सभी अपने फायदे की चीज़ देख रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को ही जीत मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।